सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो सो आज का टॉपिक ये है कि हम अपने थंबनेल को कैसे बनाएं कि लोग हमारे वीडियोस को क्लिक करें तो गाइस मैं इसी चीज के रिगार्डिंग आपसे बात करने वाला हूं कि थंबनेल कैसे अट्रैक्टिव बनाएं तो यार जो भी यूट्यूबर होगा जो भी ब्लॉगर होगा सबको पता है कि थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वीडियोस में क्योंकि थंबनेल जैसा रहेगा वैसे ही लोग ध्यान देते हैं जैसे कि थंबनेल ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है तो लोग क्लिक करके देखते हैं अगर अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो लोग ध्यान नहीं देंगे जैसे कि मेरी वीडियो में देख सकते हो लास्ट वीडियो मेरी जो अभी आई थी लास्ट टाइम तो उसमें वीडियो में देख सकते हो तो काफी ज्यादा मैंने इंटरेस्टिंग अपना थंबनेल बनाया है तो वैसे थंबनेल अगर आप भी बनाना चाहते हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सो so, हाँ हम बात कर रहे थे कि हम अपना थंबनेल कैसे बनाए तो गाइज थंबनेल से थम्मेल एक ऐसी चीज होती है जिससे मतलब लोग अट्रैक्ट होते हैं और वीडियो को जो देखो कोई भी यार एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कोई भी अगर फोन उठाया और फोन में अगर यूट्यूब खोले कोई भी स्लाइड करता है तो सबसे ऊपर थम्मल आता है सबसे पहले तो आपका थम्मल ही आता है लोग देखते हैं क्या है तो अगर जब तक आपका थम्मल अट्रैक्टिव नहीं होगा तब तक लोग क्लिक कैसे करेंगे आपका अट्रैक्टिव होगा तभी तो लोग क्लिक करेंगे तभी वीडियो देखेंगे तभी आपकी व्यू देखेंगे, तभी आपके आपके सब्सक्राइबर गेन होंगे तो हम इसी चीज के रेगा आपसे बात करने वाले तो फटाफट से हम चलते अपने फोन की स्क्रीन पे वहां पे मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ कि कैसे मैं अपना थम्मल रेडी करता हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम आ हमारूके अपने फोन के मेन स्क्रीन पे यहाँ पे आपको आने के बाद आपको नीचे में दो एप्स दिख रहे होंगे जिसका एक ऐप का नाम है बैकग्राउंड ऐप और एक का नाम है पिक्सल ऐप तो ये दोनों ऐप्स हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे ये दोनों ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे वहाँ से हम अपने डाउनलोड कर लेंगे मैं जैसे कि आप देख सकते हो मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रख रखा है और यहीं से हम अपना थंबनेल बनाते हैं तो जैसा कि देख सकते हो बैकग्राउंड ऐप पे हम क्लिक करेंगे अभी अपना बैकग्राउंड ऐप पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको देख सकते हो कि इस पर करके कुछ आपके पास पेज ओपन होगा इस पर आपको लोड ए फोटो पे क्लिक करना है लोड अ फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट गैलरी पे अपने आ जाएंगे गैलरी में आने के बाद आपको जो फोटो आपको पहले ही से फ़ोटो ले लेनी होगी जो जिसको थंबनेल में आपको ऐड करना तो मैंने पहले ही से ले रखा है तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका आपका आएगा तो आप देख सकते हो कि साइड वाइड में पूरा वाइट वाइट है तो मेरी कोई दिक्कत है नहीं तो फिर यहाँ पे डन पर हम लोग क्लिक कर देंगे डन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका आ जाएगा तो इसमें आपको नॉर्मली ये करना है कि जैसा कि नीचे देख सकते हो रेजर का सिंबल दिख रहा है तो रेजर से नॉर्मली ऐसे कर सकते हो जैसा कि देख सकते हो इसमें हमें कुछ दिख नहीं रहा है तो इसमें साइड में आपको आप देख सकते हो कि बीजी कलर दिख रहा होगा बीजी कलर करोगे तो बैकग्राउंड कलर कुछ अलग हो जाएगा और आपकी फोटो अच्छे से दिखने लगेगी फिर इसको हम लोग रेजर से क्लीन करेंगे रेजर का साइज़ भी हम लोग नीचे में बढ़ा सकते हैं जैसे फिफ्टीन पे था अभी तो मैंने फिफ्टी पे कर दिया तो ये देख सकते हो इतना बड़ा रेजर हमारा हो गया तो साइड साइड से इसको ऐसे ऐसे निकाल लेंगे जैसा कि देख सकते हो तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ उसके बाद साइड जैसे कि आपने देख लिया मैंने साइड साइड से जितने हो सकता था उतना मैंने रेज कर दिया उसके बाद मैजिक है साइड में आपके तो मैजिक पर हम क्लिक कर देंगे तो मैजिक पे क्लिक करने के बाद साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं उसको रेज इरेज करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है जैसे कि देख सकते हो साइड से हल्का हल्का आप ले जाओगे तो अच्छे से ये इरेज कर दे रहा है रेजर से काफी ज़्यादा ये अच्छा है मैजिक वाला तो मैजिक से हम कर रहे हैं ऐसे जैसे कि देख सकते हो कि पूरा ऐसे धीरे 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 कर देंगे पूरा हमारा क्लीन हो जाएगा सो so, वे जैसे कि देखा आपने हमारा क्लीन हो चुका है पूरी तरीके से हमारा हो चुका है जैसा कि आपने देखा साइड से पूरा बैकग्राउंड हमारा हट चुका है उसके बाद बीजी पे फिर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि पूरा हमारा हो चुका है बैकग्राउंड उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे इसको फाइन फाइनली हमारा पूरा हो चुका है तो उसके बाद हम लोग साइड में आपको डन का टिक दिख वाला मार्क दिख रहा होगा इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे सेफ पे हम क्लिक कर देंगे सेफ पे क्लिक करने के बाद आपकी ये फ़ोटो जो बैकग्राउंड जिसका इरेज हो चुका है वो आपकी गैलरी में डायरेक्ट सेफ हो जाएगी उसके बाद डायरेक्ट हम अपने मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे मेन स्क्रीन पर आने के बाद आपको साइड में पिक्सल ऐप दिख रहा होगा उस पर हम क्लिक करेंगे जैसे देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का हमारे स्क्रीन पे आ गया है उसके बाद साइड में आपको ए का दिख रहा होगा तो ए पर आप क्लिक करो ये ये सारे ऑप्शन है जिससे हम अपनी फोर वीडियोज एडिट करेंगे उसके बाद हम लोग पहले इस साइड में चल देते हैं साइड में जाने के बाद यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा होगा तो अभी इमेज पर क्लिक नहीं करेंगे पहले इसके बैकग्राउंड को हम लोग हटाते हैं जैसा कि देख सको तो ग्रीन बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड को इसको यहाँ से साइड से हटाते हैं पहले क्योंकि ये हमें ये वाला कलर नहीं चाहिए यहाँ पे साइड में आपको कलर का दिख रहा होगा ऑप्शन कलर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जैसे कि देख सकते हो किसी भी प्रकार का हम अपना बैकग्राउंड देख सकते हैं ऐसे ऐसे करोगे तो इसमें कलर ऑप्शन ढेर सारे मिल जाते हैं अगर आपको प्लेन कलर वाला चाहिए होगा तो ये देख सकते हो प्लेन जो भी कलर आपको चाहिए हो सक मिल जाएगा लेकिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा मैं हमें हमेशा अपने थम मेल्स में यही वाले कलर सारे यूज़ करता हूँ तो ये वाले कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यही कलर हम लोग अपना चूज़ कर लेते हैं जैसे देख सकते हो हम चूज़ कर लिया है उसके बाद आप ए में चले जाओगे ए में जाने के बाद साइड में आपको एक दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इमेज का ऑप्शन दे रहा है तो इमेज का ऑप्शन दे रहा है तो इमेज आप क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट आप अपने फोन के गैलरी में चल जाओगे जो फोटो को हमने अभी किया है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि देख सकते हो आप मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने फ़ोटो को तो सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका आ जाएगा जैसे कि देख सकते हो आपको जिस एंगल में रखना है अपने वीडियो फोटो को उस एंगल में आप रख सकते हो तो हमने यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने फोटो को यहाँ पे सेट कर दिया है और सेट करने के बाद यहाँ पे हम कुछ भी अपना थंबनेल लगा सकते हैं बट उससे पहले हमें अपना मतलब किसका एरिया कितना मतलब किस चीज़ पे हमें किस चीज़ के थंबनेल पे बनाना है यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे दिखा देगा इमेज साइज का तो इमेज साइज पे हम लोग क्लिक करेंगे इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कस्टम तो कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने में यूट्यूब थंबनेल तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे नॉर्मली उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका हो जाएगा तो इसको हम लोग ये हमारा फोटो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है इसको छोटा करके लगाएंगे जैसे कि देख सकते हो मैं कर रहा हूँ कैसे इसी प्रकार पे आप भी कर लेना अपने फ़ोटो का आपको जिधर रखना होगा इधर रखना होगा इधर ऊपर नीचे जहाँ भी आपको रखना होगा सही लगेगा आप कर लेना था जैसे कि मैं अपना कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा मेरी फोटो छोटी लग रही थी थो उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा रहता तो ज़्यादा सही लगता है ना तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कर लिया थोड़ा सा और बड़ा तो देख सकते हो आप लोग कि मैंने अच्छे तरीके से अपने फ़ोटो को कर दिया तो ये मेरा फोटो यहाँ पर फिक्स हो गया अच्छे से साइड वाइड का सब देखे हाथ वात ही कट वट कहीं ना हो रहा है तो अच्छे से हमारा हाथ वाला यहाँ पे सब कुछ सब कुछ देख करके हमारा अच्छे से हो गया तो उसके बाद हम आगे क्या करेंगे कि उसके बाद आगे हम साइड में आपको आ जाओगे ए पर तो ए पर आ जाओगे तो यहाँ पर कुछ लिखने का आपको होगा तो मेरा किस चीज़ के रिगार्डिंग मेरा है तो मैं मैं मान लो कि मैं कुछ और लिख देता हूँ जैसे कि जैसे यहाँ पे पहले लिखते लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा <coughs> तो यहाँ पर जैसे कि देख सो तो लिखने का ऑप्शन आ गया तो नेक्स्ट न्यू टैक्स आ गया तो न्यू टैक्स इरेज करके उसके बाद हम लोग अपना इस पर लिख लेंगे जैसे यूट्यूब थंबनेल थंबनेल कैसे कैसे बनाए तो जैसे कि देख सकते हो तो मैंने ऊपर में लिख दिया यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए तो इसका नॉर्मली ओके पे क्लिक कर दो ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आ जाएगा तो आप चाहते चाहो तो ये अपना बैकग्राउंड का कर भी सकते हो जैसे कि देख सकते हो मैं अपना मैंने अपना कर दिया इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो देख सकते हो कि मैंने ब्लैक कर दिया रेड कर दिया फिर से वाइट कर दिया येलो कर दिया तो मैं इसको ब्लैक ही रखूँगा क्योंकि ब्लैक ज़्यादातर ज़्यादा अच्छा लगता है और दिखता भी है हमें दूर से ब्लैक उसके बाद हम लोग अपना क्या करेंगे थोड़ा लेटर्स को बोल्ड करेंगे क्योंकि लोगों को देखो यार आप वीडियो डालते हो तो थंबनेल आपका हमेशा अच्छा रहना चाहिए तभी लोग क्लिक करेंगे तो जैसा कि देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे कर दिया तो लेटर हमारे मेरे सारे लेटर्स बोल्ड हो गए ये देख सकते हो स्टाइल पर क्लिक करोगे और इस पर ऐसे करोगे जबकि लेटर्स सारे बोल्ड हो गए तो मेरे को बोल्डिंग करना था अपने लेटर्स सारे लेटर्स बोल्ड हो गए अच्छे से दिख रहे हैं हमारे लेटर्स उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड लिखा हुआ है बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद इनेबल करेंगे उसके बाद यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो कि जैसा आप कलर चाहो वैसा भर सकते हो इसमें तो ऐसा भी कलर है ऐसा भी है कुछ भी आप भर सकते हो लेकिन मेरे को नॉर्मल प्लेन वाले ही कलर अच्छे लगते हैं तो हम इसको येलो रख देते हैं क्योंकि येलो काफ़ी ज़्यादा दूर से दिखता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है तो देख सकते हो यूट्यूब यूट्यूब पे यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाते हैं उसके बाद और हमें कुछ लिखना है तो हम और कुछ इस पर लिख सकते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो हम यहाँ पे अभी लिखते हैं कि टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जैसे देख सकते हो तो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लिख दिया हमने टू तो थाउजेंड ट्वेंटी टू लिख के ऐसे देख सकते हो ये कॉर्नर में रहता है इसको इस पर कर ला के इसको ऐसे कर देंगे ऐसे ऐसे कर देंगे इसको जैसा कि देख सकते हो इतना बड़ा कर देंगे इतना बड़ा करने के बाद फिर से हम वही काम करेंगे जैसा कि देख सकते हो आप लोग इसमें कलर भरेंगे ब्लैक ब्लैक कलर भरने के बाद इसको पहले बोल्ड करेंगे क्योंकि मैं यही तरीका यूज करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सही होता है और इसके जितने भी लेटर्स हैं काफ़ी अच्छे तरीके से दिखने लगते हैं तो इसको फिर ऐसे कर देंगे उसके बाद हमें कुछ क्रिएटिव करना है तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि मान लो यूट्यूब आपका है कि हाँ यूट्यूब ने आपने ले रखा है उसका बैकग्राउंड हमें पहले ही से क्लीन कर करना पड़ेगा तो मैंने उसका बैकग्राउंड पहले ही से क्लीन करके रख रखा है तो मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ ऐसा जैसा कि देख सकते हो हम अपने गैलरी में अभी आ चुके हैं गैलरी में आने के बाद नीचे में आप देख सकते हो कि मेरा पहले ही से यूट्यूब मैंने करके रखा है तो यूट्यूब करके रखा है तो इसको ओके कर देंगे यूट्यूब करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आगे कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा सिम्बल तो इसको इस प्रकार का कुछ आपको दिख रहा होगा तो इसको नॉर्मली इतने पर ले करके यहीं पर छोड़ देंगे छोड़ने के बाद आप चाहो तो इसमें बैकग्राउंड में कलर भी डाल सकते हो लेकिन मेरे को तो कुछ खास वैसा नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसे ही अच्छा लग रहा है मेरे को तो तो इसको ऐसे ही हम लोग नॉर्मली छोड़ देंगे क्योंकि ऐसे ही इसको थोड़ा कर देते हैं थोड़ा बोल्ड लगे देखने में थोड़ा अच्छा लगे और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो जा... यहाँ पे देख सकते हो साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ये जैसे कि स्टॉक का स्टॉक करोगे तो मतलब थोड़ा साइड साइड में कलर टाइप का दिखेगा इसको भी करके मैं आपको दिखाता हूँ साइड साइड में कलर दिखेगा थोड़ा आपके लेटर्स और उभर के आएंगे जैसे देख सकते हो तो कैसे भी कर सकते हो आप लोग लेकिन ये व्हाइट वाला काफी देख सकते हो साइड साइड में व्हाइट व्हाइट गया काफी ज्यादा लेटर बोर्ड लग रहा है तो इसी प्रकार से आप अपना थंबनेल अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो तो वैस देख सकते हो कि मैंने इतना कर दिया इतना करने के बाद जैसे कि मेरा पूरा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है काफी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है तो हम इसको सेव करेंगे सेव का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख सकता है सेव करने के बाद यहाँ पे दो ठो आपको आएगा सेव अ प्रोजेक्ट आएगा सेव अ इमेज आएगा तो हमें सेव अ इमेज पर क्लिक कर लेना है सेव अ इमेज पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका आएगा तो कस्टम का ऑप्शन आएगा तो कस्टम पर क्लिक करके आपको इसमें आएगा कि किस तरीके से आपको कस्टम लो मीडियम हाई वेरी हाई तो आपको अल्ट्रा में क्लिक कर लेना अल्ट्रा में क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी करना है तो सेव टू गैलरी करने के बाद आपके देख सकते हो तो नीचे में आ गए इमेज सेव्ड तो इमेज आपका सेव हो चुका है गैलरी में सो so गाइस जैसा कि आपने देखा कि मैंने थंबनेल किस किस तरीके से बताया आपको कि किस किस तरीके से आप थंबनेल अपना बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने आपको बता दी और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके, आपका माइंड कितना क्रिएटिव है इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो जैसे मैंने दिखाया मैंने हैश टैग लगा दिया ये लगा दिया यूट्यूब का लगा दिया सब्सक्राइब का लगा दिया बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो आपका दिमाग जितना क्रिएटिव है सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय